प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी योजनाओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के विकास भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाएं बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं कमी पाई गई है उसे तुरंत सही करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ललितपुर घटना को लेकर के अखिलेश यादव पर हमलावर होते कहा कि अखिलेश यादव चुनाव की हार की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि उनकी बेतुकी बयानबाजी सामने आ रही है। शिवपाल यादव के पार्टी पुनर्गठन के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी है, वह कुछ भी कर सकते हैं, भाजपा में कोई पुनर्गठन नहीं होगा। मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री और आप सबके आदरणीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सरकार में सहयोगी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, हमारे जिले की प्रथम नागरिक के रूप में इधर बैठी हुई जिला पंचायत की अध्यक्ष जी और सारे हमारे माननीय महानगर के महापौर नवीन जी और सभी हमारे माननीय विधायकगण, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सबका नाम जानते हैं। आज आगरा जिले के जो मंत्री परिषद का समूह अलग अलग कमिश्नरी के लिए मंडलों के लिए बनाया गया है उसमें मुझे आज आगरा। अब आपके शहर मथुरा के महोली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान, आधुनिक मशीनों व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की बेहतर व्यवस्था, हेड इंजरी, एक्सीडेंट केस, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरी, दूरबीन सर्जरी, आधुनिक पैथोलॉजी लैब में संपूर्ण जांचों की व्यवस्था के साथ साथ आईसीयू, वेंटिलेटर, बर्न एवं एक्सीडेंट के इलाज जैसी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मौजूद। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध, आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी सुविधा। आने का अवसर मिला और कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का मौका मिला, जिला चिकित्सालय में भी जाने का मौका मिला, कान्हा गौशाला में भी जाने का मौका मिला, एक गांव में चौपाल भी आयोजित करने का मौका मिला, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय आदि का भी निरीक्षण करने का मौका मिला। कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं कि बहुत अच्छे ढंग से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, कुछ मामलों की शिकायत भी आई थी उसके संबंध में यहाँ अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि जो जनता की शिकायतें हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।